आमतौर पर देखा जाए तो वैज्ञानिक नास्तिक ही होते हैं। जो भारतीय नहीं हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि विज्ञान तर्क और प्रमाण पर विश्वास करता है, जबकि धर्म एक आस्था व विश्वास की चीज़ है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि कोई कोई वैज्ञानिक आस्तिक भी थे। सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ नास्तिक थे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक उसमें आस्तिक भी थे। ऐसे ही हम तीन वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे आज आपको, जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा प्रेरित और प्रभावित थे। वो यहाँ तक कि वो बार बार अपनी रचनाओं में, अपने प्रयोगों में हिंदू धर्म का जिक्र करते हैं। ऐसे में जो पहले नंबर पर आते हैं ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर जो परमाणु बम के जनक माने जाते हैं, और इन्होंने मैनहट्टन जो प्रोजेक्ट था इन्होंने लीड किया था परमाणु बम से रिलेटेड। अब ये मैनहट्टन के बारे में आप गूगल पे पढ़िएगा खुद। तो ये क्या कहते हैं कि भगवत गीता इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित की। भगवत गीता पढ़ने के लिए इन्होंने भारत में आकर के 2.5-3 साल रहे हैं, संस्कृत सीखे, और संस्कृत सीखने के बाद इन्होंने महाभारत और गीता, ये दोनों ग्रंथ इन्होंने पढ़े, और जो इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किए थे। यहाँ तक कि जिन्होंने जब परमाणु बम का जब परीक्षण किया था ना इन्होंने, और बड़ी सी जो एनर्जी निकली, जो विस्फोट हुआ, इसको देख करके इनके मुंह से भगवद गीता के श्लोक निकले थे। हजारों सूर्यों के बराबर, जो जो भगवान का जो विराट रूप दर्शन है कि हजारों सूर्यों के बराबर तेज था उनमें, तो सेम वही ये जब विस्फोट किए तो इनको ऐसे श्लोक इनको याद आ गए वहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या लिखते हैं कि भगवत गीता, ये अपने रचनाओं में लिखते हैं एक जगह पर कि भगवत गीता किसी भी ज्ञात भाषा में मौजूद सबसे सुंदर दार्शनिक गीत है। तो कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा कि अगर ऐसे लोग इन चीज़ों के बारे में, गीता के बारे में, धर्म के बारे में ऐसी बातें करते हैं, तो हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम अपने धर्म से कहाँ तक कितना जुड़ रहे हैं। दूसरे जो थे नील्स बोर, नील्स बोर का नाम कौन नहीं सुना होगा, जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, अर्थ में भी पढ़ा होगा, वो नील्स बोर का नाम जरूर सुना होगा। सबको पता है कि इनकी परमाणु संरचना में ज़बरदस्त योगदान रहा है। ठीक है, और इनको क्या 9th क्या 12th सब में पढ़ा जाता है, आगे भी पढ़ना है। ठीक है, तो इन्होंने जो है बताया था कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, गॉड इज़ नॉट वन, गॉड इज़ नॉट वन में इन्होंने बोला ईश्वर एक नहीं है। इन्होंने बोला उसमें कि मुझे जब भी किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी प्रयोग में कोई समस्या आती है, तो मैं उसके सलूशन ढूंढने सीधा उपनिषदों के पास में जाता हूँ। मतलब ये यही कहना चाह रहे हैं कि इनका जो भी क्वेश्चन आंसर, कभी इनको प्रॉब्लम आती थी, कोई भी प्रॉब्लम फेस करना होता था, ये कहीं नहीं, सीधा उपनिषद जाके पढ़ते थे और वहाँ से अपने जो है क्वेश्चन का आंसर या फिर प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो ढूंढते थे। तीसरे नंबर पर जो आते हैं कार्ल सगन, कार्ल सगन जो अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, वे बताते हैं कि सहस्त्राब्दी पहले, एक सहस्त्राब्दी पहले मतलब 1000 साल पहले, यूरोपीय लोग जो थे वो बाइबिल के इस विचार से दूर होने के लिए तैयार थे कि दुनिया कुछ ही 1000 साल पुरानी है। बाइबिल में चूंकि क्या जिक्र किया गया कि कुछ ही 1000 साल पहले हमारी सृष्टि बनी, दुनिया बनी और हम इसमें आए, लेकिन उसी समय इन्होंने बोला कि उस समय माया सभ्यता लाखों वर्ष पहले सोच रही थी, और हिंदू वर्ष अरबों वर्ष पहले, जो हिंदू धर्म था वो अरबों वर्ष पहले बोल रहा था कि पृथ्वी बनी है, माया सभ्यता बोलती थी लाखों, और यूरोपीय क्या बोलते थे कि कुछ ही 1000 पहले। तो इसके नाते यूरोप के लोग इस चीज़ का खुद ही जो है इससे दूर होने लगे इन चीज़ों से। वही ये बताते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो बहुत तर्क और प्रामाणिक वाली चीज़ है, और ये अपने रचनाओं में कई बार इन्होंने जिक्र किया। इनकी अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो भर भर के लिखा है इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में, यहाँ तक कि भगवान शिव का भी जिक्र करते हैं। ये भगवान शिव का ये जिक्र करते हैं कि जो उनका नटराज की जो उनकी मूर्ति है, भगवान शिव का एक रूप है नटराज रूप, जिनके एक हाथ में ढोल रहता है और एक हाथ में जो है ज्वाला की जीभ रहती है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि जो ढोल ढोल रहता है हाथ में वो ब्रह्मांड के सृजन का प्रतीक है। ठीक है, और जो ज्वाला है, जीभ वाली ज्वाला जो है, कहते हैं कि ब्रह्मांड के विनाश का प्रतीक है, यानी ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विनाश में विश्वास रखते हैं। और ये रखते कहाँ हैं, हिंदू धर्म के जो उपनिषद जो पुराण है इनसे ही रखते हैं। ये बोलते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो अभी तो है, लेकिन अरबों वर्षों के बाद धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, और ये बोलते हैं कि ब्रह्मांड भी जन्म लेता है, मरता है, और इसका चक्र चलता रहता है पुनर्जन्म का, कई कई जन्मों का।
यानी इसको एक नवजात शिशु के जैसे देखते हैं कि जो पैदा होता है, बड़ा होता है, प्रौढ़ होता है, बुढ़ा होता है, मर जाता है और फिर नया जन्म लेता है। तो ये भी कहते हैं कि ब्रह्मांड भी हमारा ऐसा ही है कि जो जन्म भी लेता है, कुछ टाइम रहता भी है, करोड़ों अरबों वर्षों के बाद नष्ट होता है, फिर दोबारा अपने आप को जो है सृष्टि करता है। तो ये कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे ये लोग, और उपनिषद वेद बहुत ज़्यादा इन लोगों ने पढ़ा था। तो हमको और आपको भी, अगर ये लोग इतने ज़्यादा प्रभावित थे, तो हमें और आपको भी अपने धर्म के बारे में सोचना होगा। जो चीज़ें गलत हैं उनको हटा दो। मैं कहता हूँ आपसे बार बार, जो चीज़ें चाणक्य की हैं, कुछ लोग कहते हैं चाणक्य के कुछ नियम गलत है, जो गलत है हटा दो ना आप उसको, जो सही लगता है उसको एक्सेप्ट करो, जो गलत है उसको दूर ही कर दो, क्योंकि उसके पढ़ने ना पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, नुकसान ही है। तो जो चीज़ें गलत है उसको हटा दो, जो चीज़ सही है उसको आके एक्सेप्ट करो। और इस समय तो सबको पता है कि गायत्री मंत्र, जो कि वेद की ही देन है, उस गायत्री मंत्र का साइंटिफिक प्रमाण दिया जा चुका है कि ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग, हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव डालती है। ठीक है, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर भी करिए, और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग।